वेलकम बैक अगेन सो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम प्रोडक्ट को कैसे रिमूव करते हैं ओके okay? उसको टोटल प्राइस में से किस तरह माइनस करते हैं एंड देन यहाँ पर अपनी आइटम में से उसको किस तरह रिमूव करते हैं नाउ इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी विल गोइंग टू क्रिएट टू बटन्स एड सब्ट्रैक्ट ओके और उसकी वैल्यू को यहाँ पर हम शो भी करेंगे ठीक है नाउ वट वी आर गोइंग टू डू यहाँ पर अब आप देखें ये जो मेरी कार्ट स्क्रीन है यहाँ पर ये ऐड टू कार्ड जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है नाउ दिस आई एम गोइंग टू ओके ऐड टू कार्ड जो है यहाँ पर ये सेंटर विजिट है ठीक है इस सेंटर विजिट की जगह अब हमने यहाँ पर दो आइकन्स लेनी है एक ऐड द सेकेंड वन इज़ रिमूव ठीक है ताकि हम यहाँ पर इनकी क्वान्टिट्टीज़ को uh, ये लट uh, सपोज बनाना है मुझे ये वन डजन की प्राइस है मुझे थ्री डजन चाहिए तो मैं यहाँ पर उसको इंक्रीमेंट कर सकूँ Okay, so this is again uh, super easy and super, I would say, super easy. Yeah, okay, so now the thing is that okay, um, so let's start what we are waiting for. Okay, uh, just row, 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 row. I need to wrap this children with row widget, yeah, row widget, okay, and then just this te text as it is okay and remove this center widget okay now i need to add two icons okay the first one is icon okay and that is going to be icon start add okay and the second one is that this one okay i can i can i can i can i can what's giving me error i okay let me just again children's okay 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 I, I just forgot to add a bracket here okay so now just i'll just copy it paste it here and now just give it a run okay so here you can see

Adding and I'm going to give it a it's symmetric, okay. I'll just say about four inches from all sides. Yeah. And now this uh, colors not look good, so color start white, okay. And again I just copy it and मैं इसको yahan par. paste कर देता हूँ. And हमारे पास दोनों icon same हैं, so यहाँ से इसको मैं क्या देता हूँ? Remove, okay.

यहाँ पर ब्रैकेट्स ऐड कर देनी है ओके okay, नो इसको इन, इसको यहाँ पर इंक्रीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने डेटा बेस हेल्पर क्लास में अपडेट क्या फंक्शन लिखें ठीक है डेटा बेस हेल्पर क्लास में हम क्या करें अपनी क्वांटिटी की जो है उसको हम अपडेट करें सो so, मैं अगेन यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी ओके एंड यहाँ पर नीचे पेस्ट ओके okay, एंड यहाँ पर इसको मैं सिंपली फंक्शन का नेम चेंज कर देता हूँ क्वान्टिटी या सो क्वान्टिटी एंड नो वट वी नीड टू डू वी नीड टू अगेन जस्ट अपडेट ओके अपडेट कार्ट ओके एंड टेबल नेम इज कार्ड ओके एंड यहाँ पर आपने क्या करना है कार्ड इसको प्रोवाइड करना है ठीक है यहाँ पर इस अपडेट क्वांटिटी के अंदर क्यू यू एन क्वांटिटी के अंदर आपने इसको कार्ड का मॉडल जो है वो इसको प्रोवाइड करना है ठीक है अब आपके पास ये कार्ड आ गया है कार्ड डॉट टू मैप ओके रेस्ट ऑफ द फंक्शन रिमेन सेम नॉट सेम रिमेन सेम यहां से आप इसको कॉपी कर लें वेयर आई डी इज इक्वल टू दिस प्राइमरी को हम यूज करते हुए अपडेट करेंगे वैल्यूज को ठीक है लेकिन अब यहां से हमने क्या करना है कार्ट डॉट आईडी ठीक है ये जो आपके पास कार्ट की वैल्यू आ रही है ना इसके अंदर आईडी इसको अब हम अपडेट करेंगे ठीक है ये हमने अपडेट का फंक्शन लिख लिया अब हम वापस जाते हैं अपनी कार्ड स्क्रीन के ऊपर ओके अब हम यहां पर क्या करते हैं डेटाबेस हेल्पर ओके ओके बट बिफोर दैट बट बिफोर दैट अब हमने क्या करना है यहां पर अगर वन है ठीक है हमने चीजों को ऐड करना है ठीक है नाउ जस्ट वट वी नीड यू डू वी नीड टू जस्ट अपडेट द वैल्यू ऑफ दिस ठीक है हम इसको अपडेट करेंगे टोटल प्राइस के अंदर जब ये टू होगा तो इसकी प्राइस हो जाएगी टू डजन की फोर्टी ओके सो वो फोर्टी हमने इस टोटल प्राइस के अंदर ऐड भी करनी है ठीक है सो लेट मी सी हाउ वी कैन डू दिस ओके सो या इट्स वेटी सिंपल नाउ अब आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी क्या है वन ओके okay, तो अब आप क्या करेंगे आपने उस इनिशियल क्वांटिटी को यहाँ पर इस एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेना ये जो आपके पास आ रही है ओके क्वांटिटी एंड यहाँ से आप ट्रू स्ट्रिंग रिमूव कर दें ओके एंड यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ कर लें एंड यहाँ पर आप इसको सेम ये नॉट साइन ऐड कर देंगे सो इट विल सपोर्ट नल सेफ्टी क्यू यू एन टी आई क्वान्टिटी या नाउ अब आपने क्या करना क्या है अब आपने यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट की इनिशियल प्राइस मैंने ऐड की थी ठीक है इनिशियल प्राइस क्योंकि इनिशियल प्राइस और यहाँ प्रोडक्ट को मैं मल्टीप्लाई करूँगा ओके सो so, यहाँ से मैंने उसको कॉपी कर लिया ओके एंड यहाँ पर आ गया मेरे पास इनिशियल प्राइस ओके इनिशियल प्राइस आ गई नो वट आई नीड टू डू अब यहाँ पर मैंने क्या करना है मैंने क्वान्टिटी को इंक्रीमेंट कर देना है ओके क्वान्टिटी को क्वांटिटी को इंक्रीमेंट करूंगा एवरी टाइम जब मैं इस प्लस के ऊपर टैप करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं मैं इस क्वांटिटी में मेरे पास इनिशियल वैल्यू क्या है वन यहां पर ये इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगी टू ओके okay? जब ये हो जाएगी टू तो अब मैंने क्या करना है अब यहां पर मैंने इंट ओके न्यू प्राइस मैंने कैलकुलेट करनी है न्यू प्राइस क्या होगी अब यहां पर क्वांटिटी टू हो जाएगी और इनिशियल प्राइस क्या थी लेट सपोज ये फर्स्ट प्रोडक्ट है यहां पर इनिशियल प्राइस है ट्वेंटी ओके okay, और इनिशियल क्वांटिटी क्या है वन तो मेरे पास प्राइस आ गई इनिशियल प्राइस ट्वेंटी ओके एंड देन क्वांटिटी मेरे पास वन थी तो ये अपडेट होगी टू तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा ट्वेंटी मल्टीप्लाई टू फोर्टी तो ये यहाँ पर फोर्टी आ जाएगा और वो प्राइस यहाँ पर सब टोटल के अंदर मैं अपडेट कर दूंगा ओके okay, सो so वो किस तरह होगा वो भी हम देखते हैं ठीक है सो so यहाँ पर मैं क्या करूँगा प्राइस ओके मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ओके एंड देन क्वेश्चन मार्क ओके नाउ मैंने मेरे पास डेटा बेस हेल्पर है ओके okay, जब ये न्यू प्राइस मेरे पास आ जाएगी तो मैंने उसको डेटा बेस हेल्पर के अंदर क्या करना है अपडेट ओके okay, अपडेट किसके थ्रू कार्ड के थ्रू ओके okay, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कार्ड ओके okay, कार्ड के थ्रू और ये देखें जैसे ही मैंने उसको यहाँ पर मेंशन किया तो इसने सारी जो इसके अंदर आर्गूमेंट्स एक्सेप्ट करेगा वो यहाँ पर इसने मुझे बता दिए ओके नाउ इमेज रिमेन सेम्स ठीक है इमेज okay, जो है वो आपकी सेम रहेगी सो so, मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ पेस्ट कर देता हूँ ओके okay, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा यूनिट टैग डॉट टू स्ट्रिंग ओके एंड यहाँ पर जो इमेज है इमेज डॉट टू स्ट्रिंग मैंने पेस्ट कर दी ठीक है अब यहाँ पर स्नैप ओके स्नैप और यहाँ पर जो आई है वो प्राइमरी की होगी इस इसके थ्रू हम अपडेट कर रहे हैं ना ये देखें ये आपके पास डेटा बेस हेल्पर क्लास है ना यहाँ पर ये यह कार्ड की आईडी प्राइमरी की को अपडेट कर रहा है ठीक है और उसके अंदर तमाम वैल्यू अपडेट कर रहा है जो जो आपको करनी है ठीक है सो मैं अब अगेन जाता हूँ कार्ड स्क्रीन के ऊपर और अगेन यहाँ से मैंने उसको कॉपी किया ओके okay? और ये भी यूनिक होती है सो इसको मैं यहाँ पर टू स्ट्रिंग कर गिर्द घूमती है अब आप देखें अब आपके पास जब इंक्रीमेंट हो गया तो आपके पास क्वांटिटी नहीं आ गई वो मैंने इसके अंदर अपडेट कर दी ठीक है इनिशियल जो आपकी प्राइस है वो मैंने आपको कहा था इट विल रिमेन सेम ओके लेकिन अब जो प्रोडक्ट की प्राइस है ना वो अब चेंज हो गई है वो अब हमारे हमारे पास आ गई है न्यू प्राइस ठीक है यहाँ पर आप ऐड कर दें क्वेश्चन मार्क ओके अब मैं अगेन आपको समझाता हूँ क्वांटिटी आप देखें यहाँ पर वन है वन इस क्वांटिटी के अंदर स्टोर हो गई प्राइस ट्वेंटी वो भी इसके अंदर स्टोर हो गई ठीक है अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास न्यू वैल्यू आ जाएगी ठीक है क्योंकि यहाँ क्वान्टिटी टू इंक्रीमेंट हो गई है तो वो मैं यहाँ पर क्वान्टिटी अपडेट कर रहा हूँ और प्रोडक्ट की प्राइस भी अपडेट कर रहा हूँ ओके okay, नाउ अब यहां पर आपने क्या करना है देन ठीक है अगर ये सारे ऑपरेशन हो जाते हैं तो आपने क्या करना है यहां पर फंक्शन परफॉर्म करना अगर नहीं होते तो फिर आपने क्या करना है लेट सपोज अगर आपके पास कोई एक्सेप्शन आ जाती है कैच एरर आ जाता है ठीक है तो अब आपने यहां पर उस एरर को यहां पर सिंपली प्रिंट कर देना है ओके सो डॉट कैच एरर ओके एंड देन कैच एरर के अंदर आपने क्या करना है यहाँ पर वाइट्स गिविंग मी एरर ओके सो इट्स नॉट द कैच एरर इट्स डॉट ऑन एरर ओके एंड देन यहाँ से आप इसको रिमूव कर दें ओके रिमूव एंड देन आप यहाँ पर प्रिंट कर दें एक्सेप्शन अगर आपके पास एक्सेप्शन इनकेस थ्रो होती है तो डॉट टू स्ट्रिंग ओके okay. नाउ अगर यहां आपकी जो क्यूरी है वो अपडेट होगी है तो अब आपने क्या करना है न्यू प्राइस को जीरो सेट कर देना है ठीक है एंड देन अगर आपके पास क्वान्टिटी uh, भी यहां पर ये फंक्शन कंप्लीट हो गया तो आपने इसको भी जीरो सेट कर देना है ओके नाउ आई थिंक और फंक्शन इज गॉट कंप्लीटेड नो इट्स नॉट ओके या सेमी कॉलरन एड कर दें इट्स नॉट अब आपने क्या करना है अब आपका फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया अब आपने कार्ड के अंदर क्वांटिटी को कार्ट डॉट ओके ओके ऐड अब आपने टोटल प्राइस के अंदर आपकी जो इनिशियल प्राइस है ओके okay, वो आपने ऐड कर देनी है ठीक है सो so यहाँ पर आपके पास ये देखें ये आपकी इनिशियल प्राइस है ओके टोटल प्राइस के अंदर आपने वो ऐड कर देनी है ठीक है सो so और इसको आपने कन्वर्ट कर देना है डबल में डबल डॉट पार्स इनिशियल प्राइस आपने इसके अंदर प्रिंट कर दी डॉट टू स्ट्रिंग ओके एंड दैट्स इट ओके सो यहाँ पर अब आप कैर रिमूव हो गया ओके सो दैट्स इट अब नाउ यू विल सी अब मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ एंड अब आप देखें अगर मैं यहाँ पर ऑरेंज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें मेरी क्वांटिटी अपडेट हो गई है टू ओके okay? यहाँ पर देखें फोर्टी प्लस थर्टी सेवेंटी प्लस फोर्टी वन हंड्रेड टेन ओके एंड देन अब मैंने रिमूव की फंक्शनैलिटी नहीं कर रखी तो वो यहाँ पर नहीं शो होगी केस आई वॉन्ट टू डिलीट दिस मैंने यहाँ पर डिलीट किया अब आप देखें वो पूरा प्रोडक्ट डिलीट हो गया एंड आपके पास तो दो बचे तो आपके पास देखें यहाँ ये यह प्रोडक्ट भी डिक्रीमेंट हो गया है आपके पास यहाँ सब टोटल वैल्यू भी रिमूव हो गई है ठीक है नाउ अब हमने क्या करना है अब हमने रिमूव के लिए ही सेम काम करना है ओके okay? विल well, वेल ओके एंड द गुड थिंग इज दैट वी आर यूजिंग प्रोवाइडर सो आई है ओके सो दैट्स द बेड पार्ट बेस्ट पार्ट ऑफ यूजिंग द प्रोवाइडर ओके एंड अगर आपको ये फीचर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए तो आपको प्रोवाइडर यूज़ करना पड़ेगा या आपको कुछ और स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करनी पड़ेगी बिकॉज इसके बगैर आप नहीं कर सकते ओके okay, अब यहाँ पर ये ऐड हो गया ठीक है ना अब मैं क्या करूंगा मैंने ये सारा कोड कॉपी कर लेना है ओके वन टू ऑल यहां से ये जितना भी ऑन ऑन टैप के नीचे है ओके okay? इस सब को मैंने यहां से कॉपी कर लिया एंड यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया ओके okay? यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया ओके okay? अब मैंने यहां पर एक काम करना है और वो ये है कि इस क्वांटिटी को मैंने यहां पर डिक्रीमेंट कर देना है ओके okay? क्वांटिटी को मैंने क्या करना है डिक्रीमेंट करना है और यहाँ पर ये जो मैंने ऐड कर रहा था इसमें से मैंने रिमूव कर देनी है इनिशियल प्राइस को ठीक है अगर मैं इसको डिक्रीमेंट करूँगा ओके रिमूव टोटल प्राइस ओके और अब मैंने इसको सेव कर दिया नाउ यू विल सी अगर मैं अब इस क्वेश्चन इस प्लस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ देखें ये यह इंक्रीमेंट हो रही है नाइनटी प्लस फोर्टी वन थर्टी यहाँ आपके पास थर्टी आ गया अब मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ देखें तो यहाँ पर ये यह डिक्रीमेंट हो रहा है ठीक है इनिशियल प्राइस थर्टी है टू दो, दो, दो के जी चाहिए सिक्सटी हो गई यहाँ आपके पास इंक्रीमेंट हो गई ठीक है अगेन अब आप इसके लिए करें देखें वन ट्वेंटी प्लस सिक्सटी वन एटी ओके एंड यहाँ से आप इसको माइनस कर दें तो ये देखें ये आपके पास रिमूव भी हो गई है बट एक चीज़ ये है कि अगर लेट सपोज आप देखें ये ज़ीरो में जा रही है तो इसको ज़ीरो में नहीं जाना चाहिए ठीक है सो तो उसके लिए आपने क्या करना है देखें ये आपके पास क्वांटिटी की वैल्यू यहां पर हम स्टोर कर रहे हैं ना ठीक है तो यहां पर आप इफ स्टेटमेंट यूज करें ओके ओके इफ ओके इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन वन ओके देन आप इसको डिक्रीमेंट करेंगे ओके इट्स नॉट ग्रेटर देन वन ओके सो so, यहाँ पर अब आपने क्या करना है यहाँ पर ओके सो इफ आवर क्वान्टिटी इज 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 ओके इफ आवर क्वान्टिटी इज़ ग्रेटर देन वन ओके या ग्रेटर देन वन तो हम हाँ, अब हाँ इसको डिक्रीमेंट करें अल्स आप इसको नहीं कर सकते ओके एंड यहाँ पर इस इफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया ओके नाउ इफ़ आई जस्ट इसको मैं डिक्रीमेंट करता हूँ okay so it's not working it means our condition is not valid okay so uh if quantity what we need to do okay the increment is working okay the decrement is working working okay okay so what we need to do if our quantity is greater than 0 okay so yeah it's working yeah यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है ना इफ आई मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये नहीं होगा बिकॉज ये आप देखें वन से नीचे कंडीशन के लिए वैलिड नहीं है और प्रिंट आप करें तो वो हो रहा है ठीक है सो अगेन यहाँ पर आप देखें मैंने ये प्रोडक्ट ऐड कर दिया मैंने ये भी ऐड कर दी ठीक है एंड यहाँ देखें मेरे पास मैड कार्ड के ऊपर चला गया ठीक है अब ग्रेप्स है ना ग्रेप्स ओके यहाँ पर देखें ओके यहाँ मैं आपको रन दिखाता हूँ आपका ये जो लॉग है अब ग्रेप्स मैं ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखें आपके पास एक्सेप्शन थ्रो हो रही है ठीक है कि आप नहीं ऐड कर सकते बिकॉज दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट देखें यूनिक कॉन्सटेंट है तो अब आप एक्सेप्शन को यहाँ पर प्रिंट करके बता सकते हैं यूनिक कॉन्सटेंट की एक्सेप्शन आए तो आप बता सकते हैं कि आपके कार्ड के अंदर वैल्यू ऑलरेडी एडेड है ठीक है अगेन यहाँ मैंने ऐड कर दिया मैं यहाँ पर गया इसको मैं यहाँ से इंक्रीमेंट कर सकता हूँ ओके इंक्रीमेंट कर सकता हूँ ओके एंड देन यू सी ऑल ऑफ द चेंजेस दैट आर अपीयरिंग है इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया तो देखें मेरे पास वन 150 फिफ्टी प्लस फोर्टी वन एंड अब इसको मैं यहाँ से डिक्रीमेंट कर देता हूँ 50 प्लस फोर्टी तो ये देखें मेरे पास की वैल्यू सारी आ गई एंड देखें यहाँ पर इसको मैंने ये भी आपके पास रिमूव कर दिया तो कार्ड आपके पास ज़ीरो हो गया ठीक है सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट कार्ड एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क आउट फॉर क्रिएटिंग द कार्ड ओके okay, इसके बाद एक और एक और वीडियो होगी जिसमें इस पूरे कार्ड को समअप करूँगा ओके जो जो चीज़ें मिसिंग हैं वो भी आपको बता दूंगा और उसके बाद मैं उसको समअप करूंगा एंड होपफुली आपकी वीडियो पसंद आई होगी तो अगर पसंद आई है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो